हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में योटी के स्टार्टर की ड्राइंग हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही में कैसे इसका वायरिंग किया गया है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपको एक ये जो ड्राइंग है इसका स्क्रीनशॉट भी बोलूंगा लेने के लिए, वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे क्या है, इसके ड्राइंग को भी समझा दूंगा। उससे पहले यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेगा स्टार्टर के अंदर क्या क्या लगता है इस योटी का, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप पूरा देखते हैं इस वीडियो को तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस स्टार्टर की वायरिंग करना, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि दो ही सिर्फ फॉरवर्ड का और रिवर्स का ही कंटेक्टर लगा हुआ है और बहुत सिंपल वायरिंग है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मटेरियल्स लगा हुआ, जैसे कि एक ये कंटेक्टर हो गया फॉरवर्ड के लिए और एक ये कंटेक्टर हो गया रिवर्स के लिए, और ये जो लिखा है फेज फेलियर रिले है, और यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब ये क्यों लगाया गया इसका भी मैं बताऊंगा, और साथ ही में यहाँ पे लिमिट ये स्विच है, और लिमिट स्विच का क्या काम होता है कि जैसे एक टाइम पे आए तो मतलब क्लोज हो जाना है, मतलब मोटर बंद हो जाना चाहिए। क्या होता है कि ये जो है ये यहाँ पे मान लीजिए आ जाता है, मैक्सिमम अपना ओपन हो जाता है या मैक्सिमम डाउन हो जाता है या मैक्सिमम ऑफ हो जाता है, तो उस केस में ये क्या होता है कि लिमिट यहाँ पे लग जाता है, यानी कि ये जो कनेक्शन हुआ रहता है एनसी का कनेक्शन हुआ होता है तो उस समय एनओ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। सबसे पहले पावर वायरिंग इसका किया गया, जैसे ये मोटर का पावर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी मोटर का नहीं, ये मेन पावर आ रहा है, और यहाँ से क्या किया गया है कि यहाँ से और यहाँ तक जो है L1, L2 और L3 में पावर यहाँ पे दे दिया गया है, और इसी को लूप करके यहाँ पे L1, L2, L3 पे दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो कंटेक्टर यूज किया गया है, तीन L1, L2, L3 और एक NC दिया गया है। दोनों कंटेक्टर की सेम रेटिंग है, ये आपके लोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो मैं इसके ज़्यादा बारे में बात नहीं करूँगा कि ये कितना एम्पियर का है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया पावर कनेक्शन यहाँ, और आउट के लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे ये लूप कर दिया गया है, यहाँ पे ये लूप किया है और यहाँ पे ये लूप किया गया, और यहाँ से ये मोटर का कनेक्शन निकाल दिया गया है। अब ये इसलिए किया गया है, ऐसा कनेक्शन देखेंगे कि फेस चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये L यहाँ पे आ रहा है, यानी कि R यहाँ पे आ रहा है, Y यहाँ पे, B यहाँ पे, ये तो फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाएगा। रिवर्स के लिए हम लोग दो फेस को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे L1 जा रहा है हमारा, L1 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हमारा पावर क्या हो रहा है निकल रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि जो पहले ब्लू फेस था हमारा, बी फेस था, वो अब आर फेस बन रहा है। वैसे ही अपना जो ये मिडिल का है L2 और L2 है, तो वैसे ही ये L2 से आके L2 में चला गया, इसमें कोई फेस चेंजेस नहीं हुआ है। L3 पे बी यहाँ से निकल रहा है, और ये हमारा चला गया है यहाँ पे L3 पे, और यहाँ से निकलने के बाद से अगर इस चीज़ों को देखेंगे तो हमारा आर, यानी कि जो यहाँ पे आ रहा था वो अब हमारा बी बन गया है, यानी कि फेस यहाँ पे चेंज हो गया, जिसके वजह से मोटर हमारा रिवर्स चलने लगता है। अब ये हो गया हमारा कंटेक्टर का पावर वायरिंग, अब हो गया कंट्रोल वायरिंग को देखना, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग ही मेन यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग के ऊपर ही पूरा चीज़ें डिपेंड करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये फेज रिले जो लगा है, फेज फेलियर रिले, वहाँ पर हम लोग R, Y और बी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं L1, L2, L3 पे तीनों फेस दे दिए हैं, और वहाँ से करने के बाद से साथ ही में इस ट्रांसफार्मर के लिए हमें, अगर हमें न्यूट्रल और फेस यानी कि 220 वोल्ट मिल रहा है तो 0 और 220 पे कनेक्ट करेंगे, अगर हमारा फेस टू फेस दे रहे हैं तो 0 380 पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर दूसरा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेरा एक L1 जो गया 380 पे गया है, और जो L3 है वो 0 पे गया है। ये इनपुट हो गया इसका, इस ट्रांसफार्मर का, और आउटपुट यहाँ पे 0 और 36 पे निकला है, यानी कि हमारा जो कंटेक्टर यहाँ पे है वो 36 वोल्ट पे काम करता है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे 36 से आउटपुट निकालें। अगर ट्रांसफार्मर हमारा 24 वोल्ट का होता तो मैं यहाँ पे 24 पे कनेक्ट करता, ना कि 26 पे। यहाँ पे हमारा अभी जो कनेक्शन है 36 पे है, क्योंकि ये 36 का कंटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हो गई, ये सीरीज में है, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब मेन हमारा जो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है वो है यहाँ से आउटपुट का कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से न्यूट्रल है हमारा, 0 वोल्ट है, यानी कि न्यूट्रल है, यहाँ से लेके आए हम यहाँ पे एनओ पॉइंट पे, एनओ पॉइंट के बाद से ये हमारा कॉमन पॉइंट पे निकालेंगे, और जो भी कंटेक्टर का A2 पॉइंट होगा, जैसे यहाँ का A2 पॉइंट है,
इस कंडक्टर का A2 पॉइंट पे दे दिए, और यही देखिए यहाँ पे भी A2 ही है, जो ये पॉइंट दिया गया है A2 ही है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से निकालने के बाद से दूसरे कंडक्टर के A2 पॉइंट पे यहाँ पे सप्लाई दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं एक दूसरा कंडक्टर है, इसका A2 पे दे दिया गया है, यानी कि न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हमें फेस को कंट्रोल करना है। किसी भी ड्राइंग में, किसी भी स्टार्टर में अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ज़्यादातर फेस ही किया जाता है, तो अब हम लोग वही फेस को कंट्रोल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये फेस है, ठीक है, फेस यहाँ से निकल रहा है हमारा, और यहाँ से जाने के बाद से जो हमारा पुश बटन है, जैसे मैं ये पुश बटन आप देख रहे हैं, तो ये जो फेस है हमारा यहाँ से लेके रेड वाला वायर जो है यहाँ से निकलने के बाद से इस पुश बटन के NC पॉइंट पे ये कनेक्ट हुआ है। NC पॉइंट है, स्टॉप बटन जो होता है NC पॉइंट ही होता है। यहाँ पर हमने सप्लाई दिया, फिर यहाँ से मैं निकाल लिया, और जो ये अप डाउन जो हमारा IoT होता है, इसमें अप डाउन का होता है, इस दोनों में मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि कॉमन कर दिया हूँ दोनों को, यानी कि हमारा फेस यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑफ करना है या डाउन करना है, या आप चाहिए फॉरवर्ड में इसको चलाना है या रिवर्स में चलाना है, सेम ही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा ये जो बटन्स है फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे तो कॉमन है, यानी कि यहाँ पे हमें सप्लाई मिलेगा, और इसके दूसरे टर्मिनल्स पे ये जो टर्मिनल्स होता है दोनों NO होता है। जब इसको हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस जब करेंगे तो ये NC बनता है, यानी कि अभी क्या है कि NO है, तो यहाँ पे NO के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे टर्मिनल से एक फेस निकालूंगा, और ये निकालने के बाद से, जैसे फेस नहीं है ये, यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया, तो ये निकलेगा जब, तो ये निकलने के बाद आके इस लिमिट स्विच में कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे इस लिमिट स्विच में कनेक्शन होता है, ये NC दोनों टर्मिनल्स होता है, जैसे मैं आपको बताया था कि ये जो लिमिट है ये यहाँ पे प्रेस हो जाता है, तो जो भी NO पॉइंट होता है वो NC बन जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑफ के लिए लिए गए या फॉरवर्ड के लिए, जो भी समझिए आप, यहाँ से जैसे निकाला वैसे ही एक यहाँ से भी पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हमें दो पॉइंट मिल जाएगा, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। मान लीजिए ये हमारा फॉरवर्ड का है, तो फॉरवर्ड के लिए यहाँ से हम सप्लाई देंगे, जैसे इसको प्रेस करेंगे इस पुश बटन को, तो यहाँ से सप्लाई आएगा हमारा यहाँ तक, और ये NC होने के वजह से ये यहाँ तक सप्लाई आएगा, और यहाँ के आने के बाद से ये NC के पास आ जाएगा, यानी कि जो ये कंटेक्टर उसके NC पॉइंट पे यहाँ पे ये सप्लाई आ गया, और ये NC हो है, और इस कंडीशन में ये, तो ऑफ कंडीशन में जो है यहाँ पे जो पावर सप्लाई मिलेगा वही यहाँ पे भी पावर सप्लाई मिलेगा। तो इस NC से हमारा जो है इस कंटेक्टर के दूसरे कंटेक्टर जो है उसका A1 पॉइंट पे हम लोग सप्लाई दिए हैं, यानी कि यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगा, ठीक है, A1 पे, और इसके कंटेक्टर का जो क्वाइल है ऑपरेट हो जाए, क्योंकि यहाँ से फेस मिल गया इस कंटेक्टर को, और यहाँ से ऑलरेडी हम लोग न्यूट्रल यहाँ से और पहले से ही दिए हुए हैं, तो ये कंटेक्टर जो क्या है ऑपरेट हो जाएगा, और कंटेक्टर जब ऑपरेट होगा तो ये मोटर के पास कनेक्शन जाएगा, तो ये हमारा मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड का हो गया। उसके बाद से अगर रिवर्स का देखें, तो यहाँ से क्या होता है कि रिवर्स का ये मान लीजिए, तो रिवर्स के लिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है कि NC पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें सप्लाई मिलेगी, जब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे उसके बाद ही मिलेगा, जब इसको हम लोग प्रेस करेंगे उसी टाइम में ये काम करेगा, ये पावर जो है यहाँ तक आएगा, उसके बाद NC के होने की वजह से इस कंटेक्टर के NC पॉइंट पे आ जाएगा, और ये NC पे आने के बाद से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, NC है तो यहाँ पे भी सप्लाई मिलेगा, और यहाँ पे सप्लाई मिलने की वजह से ये कंटेक्टर जो है उसके A1 सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे पावर सप्लाई मिल जाएगा, और ऑलरेडी A2 पे न्यूट्रल हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा मोटर रिवर्स भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो फेज रिले होता है उसके ऊपर भी एक ड्राइंग होता है, जैसे ये फेज रिले है, इसके ऊपर भी एक ड्राइंग है, जैसे मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ड्राइंग में आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि अगर L1 L2 सप्लाई हम देते हैं तो क्या होता है, और ये कैसे जो हमारा फेज रिले है वो काम करता है, ये आपको क्लियर आपको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये ड्राइंग देख के यहाँ पर क्लियर आपको पूरा देख रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरे साइड में, तो इसका नाम भी पूरा डिटेल्स में दिया गया है, लिखा भी गया है, तो आप यहाँ से भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग देख लेते हैं, जो यहाँ पे मैं ड्राइंग बताया हूँ वो चीज़ों को मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप इसको समझ जाइए, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं इजीली। आप चाहे तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।